नॉर्थ कोरिया ने जापान सी में दागी मिसाइल, नॉर्थ कोरिया ने दागी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, साउथ कोरिया ने किया दावा। नॉर्थ कोरिया के एक्शन के बाद कोरिया प्रायद्वीप में टेंशन हाई है, तो एक बार फिर से कोरियाई प्रायद्वीप से ये खबर सामने आ रही है। और देखिए एक और कोरिया से जुड़ी हुई बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है, साउथ कोरिया को मदद करने पर अमेरिका को चेताया है नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन हुई का यह बयान आया है, उकसाने वाली हरकत कर रहा है अमेरिका, यह कहा नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने। नॉर्थ कोरिया का कदम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा लेकर आएगा, और आपको यह देखना चाहिए यह चेतावनी तब आई है जब नॉर्थ कोरिया को लेकर जिनपिंग और बाइडेन के बीच G20 में बातचीत हुई, उसी के तुरंत बाद यह चेतावनी। जी हाँ, चेतावनी कौन दे रहा है? किम जोंग उन दे रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, और बार बार ये कह चुके हैं किम जोंग उन की अगर साउथ कोरिया की मदद। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका करेगा तो फिर अंजाम बुरा होगा, अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका को तैयार रहना पड़ेगा। एक बार फिर से किम जोंग उन ने अपना रुख स्पष्ट किया है और अमेरिका को फिर से आगाह किया है कि साउथ कोरिया से दूर रहे। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लगातार टेंशन बरकरार है, और इस टेंशन के बीच एक बार फिर से जो आग में घी डालने का काम है वो अमेरिका कर रहा है, और यही बात किम जोंग को पसंद नहीं आ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से आखिर क्या कहा गया है और अभी कोरियाई प्रायद्वीप में क्या सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। किम जोंग की वार्निंग है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा। अब क्या डिटेल्स है? अमेरिका ने उकसाने वाली हरकत की तो हमारा कदम बड़ा खतरनाक होगा, ये किम जोंग उन ने स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका साउथ कोरिया एयर एक्सरसाइज से बढ़ी है कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन, और इस टेंशन के बाद नॉर्थ कोरिया बैक टू बैक मिसाइल दाग रहा है, जिससे टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। साउथ कोरिया बार बार इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन जताता रहा है। भारी टेंशन के बीच पिछले दिनों अमेरिका ने एंड्रयू एयरबेस पर 2 बॉम्बर उतारे हैं। ये वो एयरबेस है जहां पर आमतौर पर लैंडिंग तक नहीं होती है, ये सिर्फ उसलिए यूज किया जाता है जब राष्ट्रपति को कहीं जाना रहता है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने बड़ी बैठक भी की है, एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है, और इस मीटिंग में कई रणनीतियां भी तैयार की गई है। ब्रजेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की टेंशन जग जाहिर है, लेकिन अब इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है अमेरिका का भी, क्योंकि साउथ कोरिया को लगातार अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। किम जोंग उन की ये चेतावनी जो बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। क्या एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच? नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, अब उनको अमेरिका को चेतावनी देना तो शायद एक बहुत बड़ी बात हो गई। इधर ही इज टॉकिंग आउट ऑफ हैट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। देखिए, टेंशन्स तो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में होता रहता है, और इस माहौल में जहाँ इंटरनेशनल सरगर्मियाँ बढ़ गई है, तो ये इसका थोड़ा उभरना या बड़ा होना भी स्वाभाविक। मुझे लगता है, एक आखिरी कमेंट, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो नॉर्थ कोरिया को रूस से ही मिला है, कि जब रूस छेड़ सकता है युद्ध तो फिर हम क्यों पीछे रहे। रूस से मिला है या चाइना से मिला है या दोनों से मिला है, कहना मुश्किल है। बड़ी बात कह रहे हैं सर, और देखेंगे आगे जब हम बात करेंगे इस बारे में तो इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अंतहीन वॉर ये तो दिखता है, हमारी इस खास पेशकश में बताइए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।